दोस्तों, चीन शुरू तो ही हर एक देश ते राज करन दी कोशिश करता रहा है। इस सुपने नू पूरा करन लई कदे उसने धोखे नाल हमला कीता अते कुछ नुकसानदायक मोबाइल ऐप जां दूजियां चीज़ां बनाईयां जिन्हां नू असी चाइना मेड चीज़ां दे नाम नाल जानदे हाँ। टिकटॉक दी शुरुआत भी चाइना ने इस मकसद लई कीती सी। इस दा मुढ़ला नाम म्यूजिकली सी अते बाद विच इसने टिकटॉक दा रूप ले लिया। तुहानू दस दईए कि चीन टिकटॉक दी वरतों नहीं करदा, सगो इसनू सब तो वध इंडिया च ही प्रमोट कीता गया, शायद इंडियन लोकां नू वेले अते कमेडी जोकर समझ के। चीन कदे भी दूजे देशां दे बनाए ऐप्स की वरतों नहीं करदा, सगो अपने बनाए ऐप्स नू दूजे देशां च प्रमोट करता है अते उन्हां दी प्राइवेसी चुराउंदा रहिंदा है अते अपनी प्राइवेसी हमेशा दुनिया तो छुपाउंदा रहिंदा है। जेकर चीन किसी दूजे देश दे ऐप्स की वरतों करता भी है तां ओ VPN की वरतों जरूर करता है। इस नाल पहचान गुप्त हो जाती है अते नागरिकता बदली जा सकती है। जद भी असी लोग टिकटॉक जां कोई होर चाइनीज़ ऐप की वरतों करते हाँ तो इन्हां ऐप्स विच्चों सानू साडी ID, पासवर्ड, नेम, फोन नंबर आदि कुछ सेव करना पैंदा है। बस इसे चीज़ का फायदा चीन उठा के साडी प्राइवेसी, नेम, नंबर, पासवर्ड आदि चुरा के डार्क वैब दियां घटिया साइटां ते पा दिंदा है। डार्क वैब जो कि इंटरनेट की गुप्त काली दुनिया है, इत्थे सारे क्राइम, चोरी, नशा, दलाली, ऑनलाइन टॉर्चर, बच्चियां नाल गलत काम कीते जांदे हन। ये इंटरनेट की काली दुनिया है जिस बारे कुछ कु लोगों नू पता है। चीन साडियां प्राइवेसियां, अकाउंट पासवर्ड नू बहुत ज़्यादा कीमत ते ऑनलाइन हाइक करके वेच दिंदा है। डार्क वैब इंटरनेट की काली दुनिया है जिस विच कोई भी फसना नहीं चाहेगा। इस करके भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन करते जिन्हां विचों जूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, शेयर इट, पबजी गेम आदि शामिल हैं। टिकटॉक बैन करन दा दूजा कारण, दोस्तों टिकटॉक दिनों दिन उचाइयां नूं छू रही सी जिस कारण लोग पब्लिसिटी पाउण लई कोई भी हद पार कर जांदे सन। कुछ लोगों ने टिकटॉक ते जातिवाद नूं बढ़ावा दिता जिस कारण आम लोगों नूं जाति, धर्म, रंग, रूप, भेदभाव का सामना करना पिया। टिकटॉक ते अश्लीलता दियां हद्दां नूं भी प्रमोट किया गया जो कि समाज विच एक बुराई बन गई। टिकटॉक ते धड़ेबाजियां, गैंगलैंड, एटीट्यूड शैली नूं प्रमोट किया गया जिस नाल प्यार अते निम्रता खत्म होई जा रही सी। जनाखना अपने स्टेटसां विच धड़ेबाजियां, वैलपुना, सरीकेबाजी आदि चीज़ां नूं रोब नाल प्रमोट कर रहा सी। सो ये भी एक वड्डा कारण है इस दे बैन होण दा। दोस्तों, हर चीज़ दे दो पक्ष हुंदे हन, एक चंगा अते एक माड़ा। टिकटॉक दा चंगा पक्ष ये सी कि कुछ लोकां अपना टैलेंट दिखा के अपनी पहचान बनाई, लोकां दा मनोरंजन कीता अते पैसे कमाए। टिकटॉक दे नुकसान, दोस्तों तुहानू दस दईए कि टिकटॉक साडे दिमाग नू वाश करती है अते साडी इच्छा शक्ति नू कमजोर बना दिंदी है। जद भी असी टिकटॉक ते वीडियो देखते हाँ तां खूब हसदे हाँ अते जे वीडियो चंगी ना लगे तां उंगल मार के अगली वीडियो चला दिंदे हाँ। पर जेकर असी उही यूट्यूब ते सर्च मारीए तां काफ़ी दिमाग लगता है, पर टिकटॉक ते सर्च कुछ भी नहीं हुंदा। टिकटॉक ते कुछ भी सर्च नहीं किया जा सकता सिवाए ID नेम तो बिना। टिकटॉक ते बस उंगल की कसरत हुंदी है, दिमाग की नहीं। दोस्तों, हसना कोई माड़ी गल नहीं, पर टिकटॉक ते कई घंटे तक वीडियो देख देख के हसना, अपना समा वेस्ट करना, ये भी कोई सही गल नहीं। जिंदगी एक हासा नहीं है, वह गल वक्री है कि बुरा वक्त हस के लंघाउणा चाहीदा है, पर जिंदगी नूं मजाक अते हासे दे हवाले कर देना यह भी कोई बहुती चंगी गल नहीं। चीन दे ऐप्स बंद होण करके भारत सरकार ने वधिया कीता, पर चंगा होवे जे चीन दे बार्डर ते शहीद होए साडे भारतीय जवानां दी शहादत दा बदला लिया जावे। चीन सरकार नूं ऐप्स बंद होण कारण काफ़ी घाटा पिया है। सो दोस्तों, जो भी मित्र टिकटॉक दे बंद होण तो दुखी आ, वह दुखी ना होवो। जिस कोल टैलेंट हुंदा है उसनू टिकटॉक वर्गे मंच की लोड़ नहीं हुंदी, टैलेंट तां अपने आप बाहर आ जांदे हन।
सही समा आउण ते। वैसे भी टिकटॉक ते किसे गाने जां फिल्मी डायलॉग दी आडियो ते बुल हिलाउण दा की फायदा। डायलॉग ओ आ जिस विच आप लिखा जावे अते आप आपदी बुलंद आवाज नाल बोलिया जावे, सो यही असल टैलेंट हुंदा है। दोस्तों, इस वीडियो दा मकसद कुछ सच्चाइयां पेश करना सी। जे किसी नूं कोई गल बुरी लगी होवे तां असी माफ़ी मंगदे हाँ। जरूरी सूचना, इंटरनेट चलाउण दा फायदा तां ही है जेकर असी रोज़ाना लगभग 15 मिनट एजुकेशनल चीज़ लई कढ के कुछ नवां सीख सकीए। दोस्तों, अज दी वीडियो दे विच सिर्फ इन्ना ही, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।